देश भर में जन्माष्टमी का त्यौहार धूमधाम से मनाया जा रहा है। देश के हर गली और हर चौराहे पर जो भी मंदिर हैं उन्हें सजाया जा रहा है, जहां आम श्रद्धालु से लेकर सेलिब्रिटी और नेता तक सभी मंदिर और देवालय पहुंच रहे हैं। वहीं बच्चों ने श्री कृष्ण का रूप धरकर खूब फोटो खिंचवाई है। मुंबई में तो दही हांडी का खूब हल्ला रहा और जगह जगह भगवान श्री कृष्ण का अभिषेक हुआ। त्योहारों की रौनक भी बाजारों में देखने को मिली है और हर जगह कमोबेश इसी तरह के नजारे जो हम अलग अलग अपने आसपास के घरों में देखते हैं, वही हमें नजारे देश के अलग अलग हिस्सों में देखने को मिल रहे हैं। देश भर में कृष्ण जन्माष्टमी की धूम मची हुई है। मंदिरों में जो कृष्ण भक्त हैं वो उमड़े हुए हैं। जन्माष्टमी के लिए पूरी जो कान्हा की नगरी है वो सजी हुई है। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और जन्माष्टमी को लेकर सबसे ज्यादा अगर किसी में उत्साह होता है वो छोटे बच्चों में नजर आता है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपके टीवी स्क्रीन पर, जन्माष्टमी को लेकर देश के अलग अलग हिस्सों में किस तरह की तैयारियां चल रही हैं वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तो जन्माष्टमी को लेकर कान्हा की जो नगरी है वो पूरी तरह से सज चुकी है और अलग अलग तस्वीरें देखिए आपके टीवी स्क्रीन पर, कुल 12 तस्वीरें हैं और देश के अलग अलग हिस्सों से हैं। इन तस्वीरों के माध्यम से आप समझिए कि देश के अलग अलग हिस्सों में किस तरह से जन्माष्टमी मनाई जा रही है। मंदिरों में जो भक्त हैं उनका तांता दिखाई दे रहा है, क्योंकि इस बार जन्माष्टमी 2 दिनों के लिए पड़ी है। कल कुछ लोगों ने जन्माष्टमी मनाई, कुछ लोग जन्माष्टमी आज मना रहे हैं, यानी 2 दिनों तक जन्माष्टमी का ये त्यौहार मनाया जा रहा है। तो घरों में घंटा और घड़ियाल रात 12 बजे ही बज उठे, कल कुछ घरों में आज रात में कुछ घरों में बजेंगे, मंदिरों में बजेंगे। मंदिरों के साथ साथ घरों में भी लोगों ने श्रद्धापूर्वक त्यौहार मनाया। राजधानी लखनऊ में भी श्री कृष्ण जन्माष्टमी की धूम शहरों से लेकर गांव तक देखने को मिली। ग्रामीण इलाकों में भी लोगों ने घरों और मंदिरों में काफी अच्छी झांकियां सजाई और रात 12 बजे उनके जन्म पर भजन कीर्तन भी किया। निगोहा के अघैया गांव में भी कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिला, जहां कृष्ण भक्तों ने बकायदा कृष्ण भगवान की झांकी सजाई थी और रात 12 बजे उनके जन्म के अवसर पर पूरे ग्रामीण इकट्ठा होकर कृष्ण भगवान के जन्म पर भजन कीर्तन उन्होंने किया। तो 12 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हैं। इन तस्वीरों के माध्यम से आप समझिए कि किस तरह से देश में कृष्ण जन्माष्टमी की धूम है। हमारे साथ हमारे 2 सहयोगी जुड़ रहे हैं। हमारे साथ महेंद्र माही हमारे साथ नोएडा से जुड़ रहे हैं, हमारे साथ रविंद्र जयपुर से जुड़ रहे हैं, रविंद्र हमारे साथ मथुरा से जुड़ा है, जयपुर से भी हमारे सहयोगी जुड़ेंगे। लेकिन सबसे पहले रविंद्र मैं आपके पास आना चाहूंगा। रविंद्र, मथुरा में कृष्ण जन्माष्टमी को लेकर बहुत ज्यादा उत्साह तो हमेशा ही रहता है। कृष्ण की नगरी है, राधे राधे से ही शुरुआत होती है। मथुरा में इंटर लेते के साथ ही लोग राधे राधे ही कहते हैं। अगर किसी को संबोधित भी करना हो तो राधे राधे ही कहा जाता है। कई बार मैं भी मथुरा गया हूं। सबसे अहम बात अब ये बताइएगा कि कृष्ण जन्माष्टमी को लेकर तैयारियां किस तरह से है, चूंकि लाखों की तादाद में वहां पर लोग आने वाले हैं। अनम्यूट करिएगा अपने आप को एक बार। आप देखना मेरा अनम्यूट है ना। अगर कान्हा की जन्मस्थली की बात करें तो यहाँ का नजारा अद्भुत है। यहाँ के इस नजारे को देखने के लिए देश और दुनिया के लाखों श्रद्धालु मथुरा पहुंच रहे हैं और अब लोगों को बस इस चीज का इंतजार है जब उनके आराध्य, उनके भगवान, उनके कान्हा जन्म लेंगे। और इसी जन्म की तैयारियों के लिए अगर मैं आपको पीछे कुछ तस्वीरें दिखाऊं तो बेहद चौंकाने वाली ये तस्वीरें होंगी, क्योंकि अभी कान्हा के जन्म में एक लंबा समय है। मध्य रात्रि में कान्हा जन्मेंगे, लेकिन जो श्रद्धालु है, जो श्रद्धा का सैलाब है वो तो अभी है। यहाँ देखने में हर कोई यहाँ पर लालायित है कि बस कान्हा की दर्शन होता है, कान्हा की जो छवि है वो देखने को मिलता है और हर कोई बस यही कामना करके यहाँ पर लाखों की जो भीड़ है वो आप देखिए कि किस तरह से ये गेट नंबर 3 है जहाँ से भक्तों को प्रवेश दिया जाएगा और भक्त यहाँ से सीधे कान्हा के मंदिर पहुंचेंगे। और यहाँ पर जो सुरक्षा व्यवस्था है वो भी चाक चौबंद की गई है। वही अगर हम बात करें तो युवाओं के जो सबसे प्रिय है आजकल सेल्फी, तो योगी सरकार के द्वारा यह जो वृद्ध है उनका तो ख्याल रखा ही गया है। वही युवाओं के लिए भी सेल्फी पॉइंट अलग अलग जगह बनाए गए हैं। और जो यहाँ पर देखिए कि जिस तरह से ये गेट नंबर 3 है और यहाँ गेट नंबर 3 से लोगों को जो प्रवेश देने का सिस्टम है, यहीं से जो लोग है, लोगों की भीड़ यहाँ से दिख रही है और लगातार यही नजारा अब धीरे धीरे बढ़ता जाएगा और मध्य रात्रि तक जब भगवान कृष्ण का अवतरण होगा, भगवान जन्मेंगे, उस समय ये लोग बेहद भव्य होगा और जो कतारें हैं वो करीब 2 से 3 किलोमीटर लंबी, इसी तरह का नजारा यहाँ लगातार देखने को मिलता रहेगा। जी, लोगों की भीड़ जुटनी शुरू हो गई है। रविंद्र, हम आपकी
स्क्रीन पर देख भी रहे हैं, जो तस्वीरें आप दर्शकों की पहुंचा रहे हैं मथुरा से, हमारे साथ हमारे सहयोगी महेंद्र माही भी नोएडा से जुड़े हुए हैं, उनके पास भी चलते हैं। महेंद्र, आप इस्कॉन मंदिर में नोएडा में मौजूद हैं, तो तस्वीरें भी दिखाते रहिए और ये भी बताइए कि किस तरह की तैयारियां हैं और लोग वहां पर पहुंचना शुरू हो गए हैं और किस तरह से फूलों से सजाया गया है मंदिर को। महेंद्र, आपकी आवाज नहीं आ रही है। लगातार देखिए आशीष, आपको मेरी आवाज मिल रही है? जी आवाज आ रही है, बताइए महेंद्र। अब देखिए लगातार हम देख रहे हैं कि तो नोएडा जो हाईटेक सिटी में जाना था, मगर आज ये ऐसा लग रहा मथुरा वृंदावन में तब्दील हो गया। तस्वीरें देखिए, ये इस्कॉन टेम्पल की बाहर की और लाखों की संख्या में जो भक्त हैं वो दर्शन करने आ रहे हैं और मंदिर के अंदर आपको ले जाना चाहेंगे। महेंद्र, आप हमारे साथ बने रहिएगा, रविंद्र आप भी हमारे साथ बने रहिएगा, लेकिन इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है। आप तस्वीरें दिखा रहे थे महेंद्र नोएडा के इस्कॉन मंदिर में, जहां अभी से हजारों की तादाद में जो भक्त हैं वो मंदिर पहुंचना शुरू हो गए। इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है, कृष्ण के जन्मोत्सव पर सीमा जो हैदर जो है वो अब राधा बनी है। सीमा हैदर ने जन्मोत्सव की बधाई दी है, नए रंग नए रूप में नजर आ रही है सीमा हैदर। आज शाम नोएडा के रघुपुरा में श्री कृष्ण जन्मोत्सव भी मनाएंगी। सीमा ने कार्यक्रम में आने की भी अपील की है। सीमा को आप तस्वीरों में देख रहे होंगे, सीमा हैदर राधा बनी हुई है और सीमा ने कार्यक्रम में आने की अपील भी की है। तो कृष्ण के जन्मोत्सव पर सीमा हैदर राधा बनी हुई है और उन्होंने अपील भी की है कि आज शाम रघुपुरा जो नोएडा का गांव है जहां पर कृष्ण जन्मोत्सव मनाया जाएगा उसमें सभी लोग आए। देश के हर राज्य में कृष्ण जन्माष्टमी की धूम है। जन्माष्टमी पर अलग अलग जगहों से जो लोग हैं वो अलग अलग मंदिरों में पहुंच रहे हैं और देश के हर राज्य में कृष्ण जन्माष्टमी को अलग अलग तरीके से मनाया जा रहा है और दही हांडी भी फोड़ी जा रही है। मुंबई की अगर बात करें तो मुंबई में दही हांडी बहुत ही भव्यता से मनाया जाता है और उसकी दिव्यता देखने ही बनती है। और किस तरह से तैयार की गई है दही हांडी का प्रोग्राम, किस तरह से हो रहा है वो तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, आपकी टीवी स्क्रीन पर है, क्योंकि हर साल मुंबई में इसी तरह दही हांडी का त्यौहार मनाया जाता है। और ये देखिए हजारों की तादाद में जो लोग हैं वो वहां पर मौजूद रहते हैं। तो वहीं कान्हा की नगरी में जन्म उत्सव की भव्यता और दिव्यता देखने को ही बन रही है और किस तरह की तैयारी कान्हा के आगमन को लेकर की गई है एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। मैं मौजूद हूँ भगवान श्री कृष्ण की जन्मस्थली पर और आप देखिए मेरे पीछे किस तरह से भगवान की जन्मस्थली को सजाया गया है। ये वही जगह है जहाँ भगवान एक बार फिर से जन्म लेंगे, एक बार फिर से अजन्बे का जन्म होगा और इसी प्रांगण में ये जो आप भवन देख रहे हैं ऊपर की तरफ, यहीं पर भगवान का एक बार फिर से अवतरण होगा। यहाँ पर जो श्रद्धालु है बिल्कुल कतारबद्ध होकर अपनी बारी का इंतजार करते हैं। भीड़ अगर मैं देखूं तो जो श्रद्धा का सैलाब है यहाँ देखते ही बन रहा है। मैं आपको दिखाऊं, कुछ लोगों से यहाँ बात कर लेते हैं हम। जी कहाँ से आए आप लोग? राजस्थान से आए। क्या उम्मीदें लेके आए, किस तरह के दर्शन होंगे आपको? जी आप बताइए कि कान्हा के दर्शन और उनकी जन्मस्थली कैसा महसूस कर रहे हैं? सर हम बहुत सौभाग्यशाली है, आज यहाँ के भगवान के दर्शन होंगे। हम राजस्थान से आए हैं, बहुत गर्व फील कर रहे हैं, हर्ष और बड़े उल्लास से आए हैं और पूरी फैमिली के साथ आए हैं, छोटे मोटे बच्चे, तो यहाँ आके दिल एकदम गार्डन गार्डन हो गया है। किस तरह से आप सेलिब्रेशन करेंगे कान्हा का जन्म? अगर बात राजस्थान और मथुरा की करें तो राजस्थान में किस तरह से जन्माष्टमी आप सेलिब्रेशन करते हैं और यहाँ क्या अंतर नजर आता है? हम तो जी मथुरा से ब्रजवासी हैं, हम तो
जी, हम तो सब लोगों का स्वागत कर रहे हैं यहाँ। कैसे कैसे सेलिब्रेशन कर रहे हैं? तो जी बहुत अच्छी तरह से हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं दोस्तों के साथ। एक बार जयकार लाएंगे सब लोग। तो बिल्कुल है, जिस तरह से श्रद्धालुओं को यहाँ जो जोश देखने को मिल रहा है वो अपने आप में अद्भुत है, और श्रद्धा का यही सैलाब अब लगातार बढ़ता ही रहेगा। रविंद्र सिंह, इंडिया न्यूज, मथुरा। आप रविंद्र की रिपोर्ट देख रहे थे मथुरा से, कृष्ण जन्मभूमि से, जहां पर मथुरा में ये बता रहे थे कि किस तरह हजारों की तादाद में जो लोग हैं वो पहुंच रहे हैं। सीधे आपको लिए चलते हैं जयपुर, जहां पर हमारे सहयोगी विष्णु जुड़े हुए हैं। विष्णु, कल आपसे बात हुई थी, आपने ये तस्वीरों में भी दिखाया था कि किस तरह की तैयारियां चल रही हैं। उस समय तैयारियां चल रही थी, लेकिन अब तक तैयारियां जो हैं वो मुकम्मल अंजाम तक पहुंच चुकी होंगी। किस तरह की तैयारियां हैं और प्रशासन की तरफ से क्या कुछ व्यवस्था की गई है, और मंदिर की प्रशासन की तरफ से क्या कुछ व्यवस्था की गई है भक्तों को लेकर, वो विस्तार पूर्वक बताएगा तस्वीरें दिखाते हुए। देखिये, सबसे पहले मैं जो जयपुर के आराध्य देव कहे जाते हैं गोविंद देव जी, उनके दर्शन तमाम दर्शकों को करा देते हैं, उसके बाद तमाम व्यवस्थाओं को लेकर बात करेंगे। देखिए, राजधानी जयपुर में जो जन सैलाब आपको नज़र आ रहा है, किस तरह से जो आस्था की तस्वीर निकल के राजधानी जयपुर से सामने आ रही है, लाखों की संख्या में सुबह से ही जो लोग हैं जो गोविंद देव जी का जो मंदिर है वहाँ पर लगातार आ रहे हैं। देखिए, सबसे पहले वो तस्वीरें आप दर्शकों को दिखाना चाहेंगे जो गोविंद देव जी के जो दर्शन करने यहाँ पर लगातार लोग पहुँच रहे हैं, लाखों की संख्या में, लाखों की तादाद में जो लोग हैं यहाँ पर आ रहे हैं। जो आस्था का जो जन सैलाब है वो यहाँ पर उमड़ा हुआ है। आप जिस तरह से लगातार तस्वीरों में देख रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर लाखों की संख्या में भीड़ आती है, मंदिर प्रशासन सहित पुलिस प्रशासन की ओर से तमाम व्यवस्थाएँ यहाँ पर की गई है, अतिरिक्त जाप्ता यहाँ पर तैनात किया गया है, साथ के साथ मंदिर की ओर से भी तमाम पॉइंट्सों पर लोगों को लगाया हुआ है। अब मैं आपको वो तस्वीरें दिखाऊंगा जो आस्था का जो जन सैलाब यहाँ पर उमड़ा हुआ है। देखिए, किस तरह से हजारों लोग मंदिर के सामने खड़े हैं, और ये करीब 1.5 से 2 किलोमीटर जो लंबी लाइन है वो मंदिर के बाहर लगी हुई है। लोग लगातार सुबह से ही यहाँ पर दर्शन करने आ रहे हैं, और जब रात के 12 बजेंगे और कृष्ण भगवान का जन्म लेंगे उस वक्त यहाँ पर करीब 1.5 से 2 किलोमीटर तक पूरी तरह से रुक जाएगा, सब चीज़ें थम जाएंगी। जो लोग जहाँ पर हैं वहीं पर रहेंगे, जो लोग मंदिर के अंदर पहुँच पाएंगे वही लोग कृष्ण भगवान का दर्शन कर पाएंगे। और साथ ही साथ देखिए, पूरा जाप्ता यहाँ पर लगाया गया है, हर पॉइंट्स पर पुलिस प्रशासन को खड़ा किया गया है, और साथ के साथ देखिए स्काउटिंग गाइड के जो बच्चे होते हैं उनको भी यहाँ पर जिम्मेदारी दी गई है, उनको भी लगाया गया है। लोग लगातार सुबह से जो दर्शन है वो यहाँ पर कर रहे हैं। एक तरह अलग अलग लाइनें हैं वो यहाँ पर भक्तों के आने के लिए बनाई गई हैं, भक्तों को अंदर लाने के लिए, क्योंकि आज जो गोविंद देव जी का जो नज़ारा होता है वो बड़ा ही मनमोहक होता है। यहाँ पर लाखों की संख्या में लोग आते हैं। राजधानी जयपुर को छोटी काशी भी कहा जाता है, और एक बड़ा आस्था का केंद्र है राजधानी जयपुर, और गोविंद देव जी मंदिर में जो भीड़ है वो आम दिनों में ही काफ़ी होती है, लेकिन जब जन्माष्टमी मनाई जाती है, कृष्ण जन्मोत्सव होता है, उस वक्त यहाँ पर लाखों की संख्या में भीड़ आती है। राजधानी जयपुर के आसपास के जो इलाके हैं वहाँ से लोग यहाँ पर आते हैं, और साथ के साथ विदेश से भी जो पर्यटक हैं वहाँ देखने आते हैं कि यहाँ पर किस तरह से जन्मोत्सव मनाया जाता है। जो भक्तों की भीड़ यहाँ पर सुबह से देखी जा रही है, लोग लगातार जो पुलिस प्रशासन और मध्य प्रशासन है वो लोगों को संभालने में लगा हुआ है, जिस तरह से अधिक लोगों को दर्शन कराया जा सके और दर्शन करा के सही सलामत मंदिर से बाहर भेजा जा सके। जो लोग जो सीनियर सिटीजन हैं या जो चलने में दिक्कत है उन तमाम लोगों के लिए व्हील चेयर की व्यवस्था की गई है, उन ऐसे लोगों के लिए अलग से कॉरिडोर बनाया गया है, उस कॉरिडोर से भक्तों को अंदर लेके आया जा रहा है। और देखिए, जिस तरह से आप लगातार तस्वीरों में देख रहे हैं, मनमोहक जो तस्वीरें गोविंद देव जी मंदिर से निकल के आ रही हैं, लोग लगातार यहाँ पर आ रहे हैं, और जो राजधानी जयपुर के जो आराध्य देव हैं गोविंद देव जी उनके दर्शन यहाँ पर लोग कर रहे हैं, और हर उम्र के लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं, छोटे बच्चे हो, बड़े हो, बुजुर्ग हो, तमाम लोग सुबह से यहाँ पर लगातार आ रहे हैं। और आस्था का केंद्र राजधानी जयपुर आज बनी हुई है गोविंद देव जी के मंदिर में, लगातार भक्तों का जो सैलाब है वो यहाँ पर उमड़ा हुआ है। हम भी हमारे दर्शकों को लगातार गोविंद देव जी की जो छवि है, मैं एक बार कहूँगा कैमरा पर्सन से वो दिखाएं कि किस तरह से श्रृंगार आज गोविंद देव जी का किया गया है, विशेष पोशाक गोविंद देव जी को पहनाई गई है, पूरे मंदिर प्रशासन
मंदिर परिसर को फूलों से सजाया गया है। देखिए जिस तरह से तस्वीरें आप लगातार देख पा रहे हैं कि पूरे जो मंदिर परिसर है उसको विशेष तरीके से सजाया गया है। मंदिर के बाहर देखिए विशेष कलाकृतियां की गई हैं, फूलों से श्री राधा लिखा गया है और पूरे मंदिर परिसर को फूलों से यहाँ पर सजा दिया गया है और लोग लगातार यहाँ पर दर्शन गोविंद देव जी के कर रहे हैं, लगातार यहाँ पर पहुँच रहे हैं। सुबह चार बजे से ही जब से जब यहाँ पहली मंगला आरती होती है तभी से लोग लगातार यहाँ पर आ रहे हैं और जब रात को 12 बजेंगे जब कृष्ण भगवान का जन्म होगा तब यहाँ देखने वाली तस्वीरें होंगी। तो जी रविंद्र, हम तस्वीरें देख रहे हैं, हम तस्वीरें देख रहे हैं जो आप पहुंचा रहे हैं कि किस तरह से जयपुर में गोविंद देव मंदिर में लोगों की जो भीड़ है वो उमड़ी हुई है। लेकिन रविंद्र के पास चलना बेहद जरूरी है क्योंकि रविंद्र जो है वो मथुरा से हमारे साथ जुड़े हुए बता रहे थे कि किस तरह की तैयारियां हैं। रविंद्र, वहां पर बड़ी तादाद में जो लोग हैं वो दर्शन करने आ रहे हैं, एक बार लोगों से भी बात करिएगा कितने ज्यादा उत्साहित हैं भगवान श्री कृष्ण के दर्शन को लेकर, और आज क्या जन्मोत्सव तक वो शाम तक वहीं पर रहेंगे 12 बजे रात तक? बिल्कुल, मैं आपको कुछ श्रद्धालु है उनसे बात करने की बात करूंगा। बट हमें कहाँ से आए हैं? फिलहाल मैं श्रद्धालुओं से बात करने की कोशिश करूंगा कि क्या नाम है आपका, कहाँ से आए हैं आप, कैसा नजारा लग रहा है यहाँ मथुरा का, कैसे एजुकेशन करते हैं गाने की पढ़ने का, जो सजावट यहाँ पे है वो किस तरह की गई है? ऐसे ऐसे मतलब आपको क्या बताऊं मैं, सजावट इस तरह से कि मैं कुछ कह नहीं सकता, इतना अच्छा लगता है यहाँ पे सजावट। आप बताइए कि ताना का बस जन्म होने वाला है और लाखों की संख्या में लोग यहाँ पे हैं, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। अब बिल्कुल जो यहाँ पे श्रद्धा का सैलाब है वो अपने आप में ही अद्भुत है। वो श्रद्धा का सैलाब देखने में भी बन रहा है रविंद्र, आपके रिपोर्ट के जरिए और आपके शब्दों के जरिए हम दर्शकों को बता भी पा रहे हैं, दिखा भी पा रहे हैं और सुना भी पा रहे हैं कि किस तरह से जो लोग हैं वो मथुरा में इस समय पहुंच रहे हैं भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव को मनाने के लिए। रात 12 बजे भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव होगा लेकिन प्रशासन की तरफ से पूरी तैयारियां की गई हैं ताकि जो लोग हैं वो भगवान श्री कृष्ण के दर्शन कर सकें। देश भर में कृष्ण जन्माष्टमी की धूम है, मंदिरों में कृष्ण भक्तों की जो भीड़ है वो उमड़ी हुई है। जन्माष्टमी के लिए पूरी कान्हा की जो नगरी है वो सजी हुई है। जन्माष्टमी को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। जन्माष्टमी को लेकर बच्चों में जबरदस्त उत्साह है। आप भी अपने आस पड़ोस के जो बच्चे होंगे उन्हें कान्हा के रूप में आप देखते होंगे, कान्हा के बाल स्वरूप के रूप में, और बड़ी तादाद में जो बच्चे हैं जो घर के लोग हैं वो मंदिरों में पहुंच रहे हैं। तो देश में धूमधाम से कृष्ण जन्माष्टमी मनाई जा रही है। कई जगहों पर कल कृष्ण जन्माष्टमी मनाई गई थी, कई जगहों पर आज कृष्ण जन्माष्टमी मनाई जा रही है। मथुरा में भगवान कृष्ण जन्माष्टमी जो है वो आज मनाई जाएगी। तो आपको तस्वीरें हम दिखा रहे हैं देश के अलग अलग हिस्सों से, अलग अलग सहयोगी हमारे देश के अलग अलग हिस्सों में है। मथुरा से अपने सहयोगी रविंद्र सिंह की आपको रिपोर्ट दिखाते हैं कि मथुरा में आज किस तरह की तैयारियां की गई हैं और प्रशासन की तरफ से भी किस तरह की व्यवस्था की गई है। काना का जन्मोत्सव है और मथुरा में बड़ी धूमधाम से इस उत्सव को मनाया जा रहा है। मेरे पीछे देखिए, ये जो है काना की बाल लीलाओं का चित्रण यहाँ किया जा रहा है। काना की तरह जो तरह तरह की लीलाएं काना ने की है अपनी बाल लीलाएं उनका यहाँ चित्रण किया जा रहा है और लगातार जो कलाकार है वो अपनी प्रस्तुति दे रहे हैं। जो श्रद्धालु है वो भी बड़े प्रसन्न और भक्तिभाव से इस पूरी लीला का आनंद उठा रहे हैं। जिस तरह से जन्म स्थल जो योगी आदित्यनाथ ने उन्हें कहा था कि जन्माष्टमी को दिव्य और भव्य बनाना है उसका एक प्रतिरूप यहाँ देखने को मिल रहा है। रविंदर सिंह, इंडिया न्यूज, मथुरा। काना के जन्म की भव्य तैयारियां यहाँ की गई है और इस समय मैं मौजूद हूँ भगवान श्री कृष्ण की जन्मस्थली पर। भगवान श्री कृष्ण इसी जगह अजन्बे का यही जन्म होगा, भगवान कृष्ण एक बार फिर से यही जन्म लेंगे और उनकी तैयारी के लिए यहाँ द्वितीय दौर पर बेहद मनमोहक की गई है। और इस मौके पर जो कहा जाता है कि देवताओं को भी ये क्षण जो है बड़ा ही मुश्किल दुर्लभ है, लोग काना के दर्शन कर सके इस मौके पर भगवान की लालायत रहते हैं कि ब्रज में आए और यहाँ पर आकर दर्शन करें। जिस तरह से आप देख सकते हैं कि जो द्वितीय लाइट यहाँ पे लगाई गई है, सजावट जो की गई है बेहद शानदार, जो नजारा है दिव्य और भव्य है और इसी को देखने के लिए देश विदेश के लाखों श्रद्धालु यहाँ पहुँचते हैं। और इस समय भले ही काना के जन्म में अभी समय बाकी हो लेकिन
इसके बावजूद भी लाखों श्रद्धालु यहाँ पर आए हुए हैं और जब कान्हा का जन्म होगा तब भी संख्या यहाँ पर गिनने लायक नहीं होगी, जो होगी वो अनगिनत लोग यहाँ पर होंगे। जिंदगी दोबारा नहीं मिलेगा, ऐसा होगा कि हर कोई बस कान्हा में हो जाएगा, उसमें हो जाएगा। इसी तरह से जो लगातार लाइन है वही आपको नजर आएंगी, लंबी लंबी लाइनें यहाँ नजर आएंगी। श्रद्धा का ऐसा सैलाब यहाँ उमड़ेगा जिसे देखकर हर कोई यही कहेगा कि कान्हा के जन्म में बस एक झलक उस पल की मिल जाए जिस समय अजन्मे का जन्म होगा, उस समय अजन्मा जन्म लेगा। मेरे साथ कुछ लोग हैं, जब आपको कहाँ से आए? कैसी भीड़ नजर आ रही है? भीड़ देख कर सर बढ़िया वाइब है, बढ़िया माहौल है। कैसा सेलिब्रेशन करेंगे कान्हा के जन्म को? बढ़िया सर, हम तो मन की शांति के लिए आए, बढ़िया शांति मिलेगी। बिल्कुल है, हर तरफ बस एक ही आशा है कि कान्हा के दर्शन हो जाए, उस क्षण में कान्हा के दर्शन हो जाए जिस समय अजन्मे का जन्म होगा, कान्हा एक बार फिर से जन्म लेंगे। ये जो लोग हैं जो श्रद्धा का यहाँ सैलाब आप देख रहे हैं, जिस तरफ भी आप नजर दौड़ाएंगे श्रद्धा का सैलाब यहाँ नजर आएगा। हर कोई चाहता है कि कान्हा के रंग में रंग जाए और हर कोई यही चाह रहा है कि एक बार ऐसे भी कान्हा के उस दिव्य फल के उस दर्शन हो जाए। रविंद्र सिंह, इंडिया न्यूज़, मथुरा। आपने मथुरा से हमारे सहयोगी रविंद्र की रिपोर्ट देखी, अब आपको सीधे जयपुर लिए चलते हैं जहां पर हमारे सहयोगी इस समय मौजूद हैं, विष्णु शर्मा, उनके पास चलते हैं। विष्णु, अभी आप बता रहे थे कि किस तरह की तैयारियां की गई हैं, आसपास आपके लोग भी मौजूद हैं, एक बार उनसे भी बात करिएगा कि वो कृष्ण जन्मोत्सव को लेकर वो कितने ज्यादा उत्साहित हैं। देखिए बिल्कुल, लगातार मैं आपको तस्वीरें दिखा रहा हूँ किस तरह की, जो गोविंद देव जी में तस्वीरें निकल के आ रही है, आस्था का एक केंद्र नज़र आ रहा है। अभी लोग बहुत यहाँ दौड़ दौड़ कर जा रहे हैं क्योंकि अब जो झांकी का समय है वो पूरा होने वाला है और अब थोड़ी देर बाद पट बंद हो जाएंगे गोविंद देव जी के और उसके बाद शाम को 4 बजे पट खोले जाएंगे। आप जिस तरह से देख रहे हैं कि छोटे छोटे बच्चे यहाँ पर आ रहे हैं, तमाम तरह की जो पोशाकें हैं, बच्चों को पोशाकें भी पहनाई गई हैं, किसी को कान्हा बनाया गया है, किसी को राधा बनाया गया है। ये तमाम जो उत्साह राजधानी जयपुर में देखने को मिल रहा है, लेकिन लोग लगातार अब दौड़ लगा रहे हैं कहीं ना कहीं मंदिर की ओर कि जल्द उनको दर्शन हो जाए और पट बंद होने से पहले वो गोविंद देव जी के जो है दर्शन कर पाए। मंदिर परिषद की जो तस्वीरें हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह की जो तैयारियाँ मंदिर प्रशासन की ओर से की गई हैं और साथ के साथ जो पुलिस विभाग की ओर से भी यहाँ पर तमाम तरह की व्यवस्थाएं की गई हैं। पुलिस विभाग से जवानों को तैनात यहाँ पर किया गया और मंदिर प्रशासन की ओर से भी हर जगह पर जो वॉलेंटियर्स हैं उनको लगाया गया है, जिससे कि कहीं ना कहीं भक्तों को किसी भी तरह की जो है परेशानी का सामना ना करना पड़े। इन तमाम चीज़ों को देखते हुए यहाँ पर तमाम व्यवस्थाएं की गई हैं और काफ़ी जो एक बड़ी तादाद में जो जन सैलाब है वो आज गोविंद देव जी के मंदिर में उमड़ता है, क्योंकि देखिए आस्था का बड़ा केंद्र गोविंद देव जी मंदिर को माना जाता है, जयपुर के आराध्य देव को कहा जाता है, छोटी काशी के रूप में भी जयपुर को माना जाता है। तो इसलिए यहाँ पर तमाम जो लोग हैं वो आते हैं और अपनी जो आस्था है वो भगवान के सामने प्रकट करते हैं। सुबह से ही लगातार यहाँ पर जो है भीड़ वो लगी हुई है गोविंद देव जी के जो मंदिर में, लगातार लोग दर्शन भगवान के कर रहे हैं, छोटे बच्चे हों, बड़े हों, बुजुर्ग हों, तमाम तरह के जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं और लगातार जो भगवान के दर्शन कर रहे हैं। और साथ के साथ देखिए अब 4 बजे इसके बाद अब जब पट बंद होंगे उसके बाद 4 बजे फिर से भगवान के दर्शन हो सकेंगे, इसलिए तमाम जो लोग हैं वो लाइनों से आगे आ रहे हैं। और क्योंकि देखिए भगवान के दर्शन सभी को करने, जिस तरह की जो आप तस्वीरें देख पा रहे हैं लगातार जो जल सैलाब मंदिर में उभरा हुआ है, लोग लगातार यहाँ पर आ रहे हैं और कहीं ना कहीं देखिए बड़े उत्साह के साथ यहाँ पर जन्मोत्सव मनाया जाता है, क्योंकि राजधानी जयपुर में भी जो तमाम जो मंदिर हैं छोटे बड़े तमाम मंदिरों को सजाया गया है और सभी मंदिरों में इसी तरह की तैयारी की गई है। गोविंद देव जी के मंदिर को विशेष तौर पर सजाया गया है, फूलों की झांकियाँ यहाँ पर लगाई गई हैं, मंदिर परिसर को फूलों से सजाया गया है। आज जो जन्मोत्सव है कृष्ण भगवान का वो विशेष तौर से यहाँ पर मनाया जाता है। रात 12 बजे तक की इसी तरह भीड़ यहाँ पर रहने वाली है और करीब 1 से 1.5 किलोमीटर लंबी जो लाइनें हैं उनमें लोग खड़े हुए हैं भगवान के दर्शन करने के लिए, गोविंद देव जी की एक झलक पाने के लिए। लगातार
और कल भी विशेष आयोजन यहाँ पर होंगे, कल विवाह उत्सव मनाया जाएगा और झांकियाँ निकाली जाएंगी। देखिए जयपुर में भी एक मथुरा से जो कम माहौल जयपुर में नहीं होता है जन्माष्टमी का, क्योंकि यहाँ पर जो गोविंद देव जी के मंदिर है माना जाता है, बड़ी आस्था लोगों की मंदिर के साथ है, मंदिर परिसर में लगातार लोग पहुँच रहे हैं और काफ़ी तादाद में 1 लाख की तादाद में यहाँ पर लोग आते हैं और हर उम्र के जो लोग हैं वो मंदिर परिसर में पहुंच रहे हैं जी। और रात रात तस्वीरों में हम देख रहे हैं कि किस तरह से गोविंद देव मंदिर में हजारों की तादाद में जो श्रद्धालु हैं वो पहुंचे हुए हैं और सभी भगवान का दर्शन करना चाहते हैं। मंदिर प्रशासन की तरफ से भी इंतजाम अच्छे किए गए हैं। आप हमारे साथ बने रहिएगा। चित्तौड़ में कृष्ण जन्माष्टमी के मौके पर महाराज के दर्शन के लिए हजारों की संख्या में जो भक्त हैं वो मंदिर में पहुंच रहे हैं और जो भगवान की दर्शन है वो एक बार करना चाहते हैं, वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। चित्तौड़ के अंगगढ़ में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज करीबन 1 बजे आने का कार्यक्रम है और इसके बाद विधानसभा अध्यक्ष ओम बिरला भी आने का कार्यक्रम है और दोनों कार्यक्रम को लेकर पूरी तरह से प्रशासन अलर्ट हो चुका है और प्रशासन द्वारा हेलीपैड पर भी पुलिस की निगरानी रख चुकी है और महाराज के दर्शन के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ओम बिरला आने वाले हैं, जिसको लेकर मंदिर कमेटी के या छात्रमास कमेटी की तरफ से पूरी तैयारियां कर चुके हैं और महाराज के दर्शन कर आशीर्वाद लेने के लिए आ रहे हैं। और आपको बता दूं क्योंकि चुनावी माहौल होने के कारण जो भी नेतागण हैं ज़्यादा से ज़्यादा धार्मिक स्थलों पर जाने का कार्यक्रम उनका रहता है, जिसको लेकर प्रशासन हो या पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट दिखाई दे रहा है। महाराज के दर्शन के लिए छात्रमास में करीबन लाखों लोगों ने दर्शन कर चुके हैं और महाराज का मैं आपको बता दूँ कि महाराज लगातार छात्रमास का जो कार्यक्रम होता है वो बड़ा कार्यक्रम होता है और राजनीतिक पार्टियां लगातार महाराज के दर्शन के लिए आती है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के पावन अवसर पर श्री राम नाटक क्लब के तत्वाधान में रामलीला आयोजन को लेकर आज ध्वजारोहण कार्यक्रम किया गया है। आप देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में व्यापारी मौजूद है और अलग अलग धार्मिक संगठनों के तमाम जो पदाधिकारी हैं वो मौके पर मौजूद है। किस प्रकार से कार्यक्रम और आगे की रणनीति, इसको लेकर हमारे साथ मौजूद है व्यापार मंडल के वर्तमान अध्यक्ष किशन जी दुग्गल। दुग्गल साहब, आज ध्वजारोहण किया गया है और श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पावन अवसर भी है, क्या कहेंगे? आज श्री भगवान कृष्ण जन्माष्टमी पर सभी इलाका वासियों को व्यापार मंडल की तरफ से, राम नाटक क्लब की तरफ से बहुत बहुत बधाई हो। आज सभी लोगों ने मिलकर के राम नाटक क्लब के कमेटी के द्वारा आज रामलीला नाटक मंचन का ध्वजारोहण किया गया है। इसके लिए भी सभी मंडी वासियों को, इलाका वासियों को बधाई हो। मैं सभी से अनुरोध करना चाहता हूं कि हर साल की भांति बार हम सभी मिलके उससे भी ज़्यादा बढ़िया तरीके से रामलीला, राम की जीवनी पर जो स्तुतियाँ दी जाएंगी उसके द्वारा भगवान श्री राम के चरित्र के बारे में बताया जाएगा, ताकि लोग जो हैं उसका अनुसरण करें, उनके द्वारा जो दिए गए उपदेश हैं वैसा जीवन अपना जिए। बिल्कुल, इस बार रामलीला का भव्य आयोजन होगा। मेरे सहयोगी साथी राकेश के साथ विकास पारिक, इंडिया न्यूज, गढ़साना। पूरे देश भर में जहां एक तरफ खाटू श्याम का जन्मोत्सव जो है बड़ी धूमधाम से जो है लोग मनाते हुए दिखाई दे रहे हैं, इस समय हम जो है बल्लभगढ़ के सेक्टर 3 खाटू श्याम मंदिर में मौजूद रहे हैं। आपको तस्वीरें दिखा देते हैं किस तरीके की तस्वीरें हैं, जो तैयारियां जो हैं शाम की पूजा को लेकर जो है वो तैयारियां जो है मंदिर में चल रही हैं और सुबह से जो है श्रद्धालु जो है वो पूजा अर्चना करने के लिए मंदिरों में जो है साफ तौर पर करने के लिए यहाँ पहुँचते हुए दिखाई दे रहे हैं। और लगातार हर साल के भांति इस साल भी जो है श्री खाटू श्याम का मंदिर है जहाँ श्री कृष्ण भगवान का जन्म उत्सव जो है शाम
को जो है बड़ी धूमधाम से जो है पूरी रीति रिवाज के हिसाब से जो है वो मनाया जाएगा। आप सामने तस्वीरों के माध्यम से साफ देख सकते हैं कि किस तरीके की तैयारियां जो है मंदिर में, ठीक है, हर साल के भांति इसी तरीके से जो है इस मंदिर में कीर्तन भजन कर जो है जन्माष्टमी जो है बड़ी धूमधाम से जो है वो मनाई जाती है। और सुबह से ही लगातार श्रद्धालुओं की जो तादाद है वो लगातार मंदिरों में पहुँच रही है, और शाम को जो है इस मंदिर में जो है लोगों की भीड़ जो है इतनी हो जाती है कि लोगों को जो है बैठने के लिए जगह नहीं मिल पाती है। लेकिन अगर सुबह आपकी फिलहाल की बात की जाए तो सुबह 10:30 बजे का समय हो रहा है, आप साफ तस्वीरों से देख सकते हो कि जो महिलाएं जो हैं वो कीर्तन ढोल ढोलक बजाकर जो है कृष्ण भगवान की जन्माष्टमी जो है वो मनाती हुई साफ तौर पर दिखाई दे रही हैं। और वही बात की जाए पूरे फरीदाबाद जिले की अगर खासतौर अगर बात की जाए तो इस तरीके की तैयारियाँ जो है मंदिरों में साफ तौर पर देखने को मिलेंगी, जहाँ कृष्ण भगवान की जन्माष्टमी जो है लोग साफ तौर पर मनाते हुए साफ तौर पर दिखाई देंगे। और मंदिर के जो पुजारी हैं और जो मंदिर की देख रेख करने वाले हैं उनसे साफ तौर पर उनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि उनका क्या कहना है, किस तरीके की तैयारियां जो हैं उनकी तरफ से मंदिर में जो है वो की गई हैं, शाम को किस तरीके की व्यवस्थाएं जो हैं वो रहने वाली हैं। क्या नाम है जी आपका? राजन पंडित जी। राजन जी, शाम को किस तरीके की तैयारियाँ रहने वाली है, हर साल की भांति क्या इस बार भी जो है उसी तरीके से तैयारियाँ की गई हैं? जी जी, शाम को 6 बजे से यहाँ कीर्तन शुरू हो जाएगा बाबा का, रात के 12 बजे तक कीर्तन होगा, उसके बाद गोपाल जी का अभिषेक करा के फिर आरती पूजा होगी। अच्छा, और अगर भक्तों की बात की जाए तो जिस तरीके से आज सुबह से ही भक्तों का तांता लगा हुआ है, शाम को किस तरीके की रेल चल रही है? शाम को यहाँ से आधा किलोमीटर तक लाइन लग जाती है और बहुत ही ज़्यादा भक्त यहाँ पर बहुत ही बड़ी संख्या में एकत्रित हो जाते हैं। बिल्कुल, देखिए इनका साफ तौर पर कहना है कि मंदिर में अगर भीड़ की बात की जाए तो साफ तौर पर लोगों को मिलने में और भी कुछ लोग। क्या नाम है सर आपका? राजेश गुप्ता। गुप्ता जी, मंदिर में किस तरीके की तैयारियाँ हैं, हर साल की अगर बात की जाए तो क्या इस साल भी उसी तरीके की तैयारियाँ की गई हैं? इस साल पिछले साल के मुकाबले हमारे को 40। बिल्कुल, देखिए इनका साफ तौर पर कहना है कि लगातार हर बार के भांति जो है इसी तरीके की तैयारियां जो हैं वो मंदिरों में की गई हैं, और इस बार भी जो है पिछले बार के अगर मुकाबले की अगर बात की जाए तो इस बार जो है वो तैयारियां और ज़्यादा की गई, कुछ लोग भी और मौजूद है। क्या नाम साहब का? अमित कुमार शर्मा। अमित जी, तैयारियाँ किस तरीके की मंदिर की? तैयारियाँ बुरी चल रही हैं जी, तैयारियों के लिए हमने देखी आप बाहर की पार्किंग के लिए पार्किंग बोर्ड्स लगा दिए हैं, पुलिस से भी हमें संपर्क मिल रहा है, सहयोग मिल रहा है पूरा, और हम लोगों ने पूरी व्यवस्था बनाई हुई है। हमारे आज अनुमान करीब करीब 20 से 25 हज़ार लोग आने की अनुमान है। हर बार किस तरीके के कितने लोग आते हैं, और क्या इस बार जो है ज़्यादा तैयारियाँ और ज़्यादा की गई? हाँ, इस बार ज़्यादा तैयारियाँ की गई हैं, पिछली बार हमारे करीब करीब 15 से 20 हज़ार लोग आए थे, इस बार उनसे ज़्यादा आने की उम्मीद है हमारे। शाम की किस तरीके की तैयारियाँ, पूजा की अगर बात की जाए किस तरीके से पूजा जो है? शाम को ठाकुर जी का 12 बजे करीब जन्मोत्सव मनाया जाएगा, यहाँ पे अभिषेक किया जाएगा, विप्र आएंगे लोग बाहर से, वृंदावन से विप्र आ रहे हैं, यहाँ पे भजन का प्रोग्राम है शाम को 6 बजे से लेकर रात को 1 बजे तक का अभिषेक किया जाएगा। बाहर एक अद्भुत शिवलिंग बनाया जाएगा, आज बर्फ से शिवलिंग बनाया है जिसको 12 घंटे तक वो चलेंगे यहाँ पर, और बड़ा ही धूमधाम से मनाया जाएगा पर्व। लेकिन इनका साफ तौर पर कहना है कि मंदिर के अंदर जो है पिछली बार की बात की जाए तो इस बार जो है वो तैयारियां ज़्यादा की, क्योंकि लोगों की संख्या जो है पहुँच 20 से 25 हज़ार के करीब लोग जो है इस मंदिर में पहुँचेंगे और पूजा अर्चना करते हुए साफ तौर पर आपको मंदिरों में जो है वो दिखाई देंगे, क्योंकि पिछली बार की अगर बात की जाए तो जिस तरीके से देखिए मंदिर में और भी कुछ लोग हैं। सर क्या कहना है आपका, किस तरीके की तैयारियाँ मंदिर में? मंदिर में बड़ी खूबसूरत तैयारी हो रही है जी, बर्फ में वो शिवलिंग बनेगा। क्या हर बार इसी? तो आपने देखा कि देश के अलग अलग मंदिरों में किस तरह से रौनक है कृष्ण जन्माष्टमी को लेकर, और लोग मंदिरों में पहुंच रहे हैं, इंतजार रात 12 बजे का है जब भगवान श्री कृष्ण का जन्म होगा। बुलेटिन में वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं।